तो हाय फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो मेरा टॉपिक है पासवर्ड लॉक के ऊपर ही है और FRP कोई भी मॉडल एनीबॉडी। मैंने पहला वीडियो में बताया था, बिल्कुल आराम से मैंने बताया था कैसे आपको मॉडल पहचानना है, कैसे आपको अनलॉकिंग करना है, सारा चीज़ हमने कैसे मॉडल पहचानने के बाद CPU आपको क्या करना है मैंने पिछला वीडियो में बताया था। आप वन बाय वन देखिएगा। मैं इसमें बताने वाला हूँ कि एक बार मैं कंफर्म भी करा दे रहा हूँ कि आप लोग जान जाइए, जो न्यू हैं फ्रेशर हैं, इसको बोला जाता है पासवर्ड लॉक। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पासवर्ड लॉक, और इसको बोला जाता है पैटर्न लॉक। ठीक है, इसको पासवर्ड लॉक और पैटर्न लॉक। और ये जो आपको कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट करके ऐसा कुछ आता है ना, इसको बोला जाता है FRP लॉक। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से या तो स्किप का ऑप्शन ना दिखे, ठीक है, या तो यहाँ स्किप का ऑप्शन आपको ना दिख रहा हो, या तो यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आए, या तो ऑफलाइन का ऑप्शन ना दिखे, तो आप समझ जाइए कि इसमें जो है ना FRP लॉक लगा हुआ है। या वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा तो जीमेल पे जाके नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मैं कनेक्ट करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ एक फ़ोन में जिसमें FRP लॉक लगा हुआ है, क्योंकि मेरा जो कोर्स है ना बिल्कुल फ्रेशर के लिए भी है और जो डीपली में सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे ही होगा यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा। इसको मैं साइड करता हूँ। आपको मैंने पहला मोड आपको बताया है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है। आपके पास कोई भी फ़ोन, एनीबॉडी कोई भी फ़ोन आता है तो कैसे आप उसको अनलॉक करेंगे, कि इसको इसको FRP कैसे आप निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तब तक मेरा ये हो रहा है, मैं आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन, चलिए PC में आपको तब तक दिखाता भी, इसको मैं दिखा भी दूंगा कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अगर FRP निकालना है या पासवर्ड लॉक अनलॉक करना है मीडिया टेक का, देखिए मीडिया टेक का ये अभी चल रहा है, तो मीडिया टेक आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक इन्फिनिक्स का फ़ोन है और ये जो है हमारे पास फ़ोन रियलमी का फ़ोन है, और मैं जो बताने वाला हूँ ओनली फॉर मीडिया टेक, ये मीडिया टेक पे मैं बताऊँगा। अगर आपके पास रियलमी फ़ोन आता है, मॉडल आपको जानना है, सबसे पहले तो आपको मॉडल ही जानना होता है। कोई फ़ोन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका मॉडल जानना है। मॉडल रियलमी और ओप्पो, ठीक है, ओप्पो और रियलमी का अगर आपको मॉडल जानना है, ठीक है, अगर ओप्पो और रियलमी का मॉडल जानना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या FRP पर हो या पासवर्ड पे हो, तो आपको इमरजेंसी डायल दिखेगा। ठीक है, इमरजेंसी डायल में FRP भी रहेगा तो इमरजेंसी डायल साइड में दिखेगा, और यहाँ भी पैटर्न लॉक के नीचे ही दिखेगा, और आपको इमरजेंसी में जाना है और *#899#, आप नोट कर लीजिएगा इसको आराम से, *#899#। आप इस कोड को जैसे डायल करेंगे ना, आपके सामने ये सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का सारा ये टैब खुल जाएगा इंजीनियरिंग में। आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, उसमें जाएंगे ना आप, यहाँ पे देखिएगा आपको ये मॉडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, RMX 3710। तो इसको हम अनलॉकिंग करने वाले हैं। कैसे अनलॉक करेंगे, सबसे पहले मैं मॉडल वाइज भी दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा विदाउट मॉडल भी, बिना मॉडल के भी आप कीजिएगा और मॉडल के साथ भी कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी। यहाँ पे अभी तक ये नेक्स्ट नेक्स्ट हो ही रहा है, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट पर आ गया है, इसको हम आगे करते हैं, देखते हैं इसमें FRP लॉक लगा हुआ है क्या है कैसे है। और ये भी है हमारे पास वीवो इन्फिनिक्स का फ़ोन, ये रियलमी का फ़ोन है, ये वाला रियलमी है और ये वीवो है। ठीक है, सारे मॉडल मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे देखिए, स्किप में जाते हैं आगे, नेक्स्ट जब कीजिएगा तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, तो समझ जाइए कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। कैसे आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आपको फुल प्रोसेस में सारे फ़ोन को अनलॉक करके दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अभी देखिए इसमें पासवर्ड लॉक लगा हुआ है, अभी रियलमी को मैं मॉडल वाइज दिखा दे रहा हूँ, मॉडल वाइज आप कैसे अनलॉक कीजिए इसका, जो FRP और पासवर्ड दोनों अनलॉक कर लेंगे बिल्कुल ईजिली। चलिए अनलॉक टूल से मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे करना है। अनलॉक टूल में आना है सबसे फर्स्ट, और आपको जाना है रियलमी का अगर करना है या ओप्पो का, दोनों का मॉडल इसी में रहता है ओप्पो में, ठीक है। अगर आपको मीडिया टेक से करना है तो मीडिया टेक में यहाँ में जाना होगा। चलिए मैं मॉडल से अभी पहले आपको करा दे रहा हूँ। देखिए मॉडल में जैसे जाएंगे और यहाँ पे लिखना क्या है,
यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ था ना RMX 3710, यहाँ पे आपको लिखा हुआ था 3710 RMX 3710, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च बार में जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे ओप्पो में जाएंगे, उसके बाद सर्च बार में जाएंगे RMX 3710, ठीक है। अब देखिए ये मेरा फोन जो है ना Realme का है, ओनली फॉर Realme, ना कि नार्जो है। ओप्पो Realme में नार्जो भी फोन आ रहा है, नार्जो के लिए यहाँ देखिए दो मॉडल शो कर रहा है, तो Realme नार्जो N55, हमारा जो है फोन ओनली Realme है, तो Realme C55 ये फोन है, समझ गया। अगर ये Realme नार्जो यहाँ लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पे क्लिक करते, क्योंकि RMX दोनों सेम है, Realme RMX दोनों सेम नार्जो का होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, Realme है तो ओनली फॉर Realme में क्लिक करेंगे, ठीक है। CPU वाइज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है कई बार दिक्कत भी आएगा, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। यहाँ पे देखिए पासवर्ड लॉक लगा हुआ है, चलिए Realme C55 में हमने क्लिक किया, और हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्री लोडर ऑथ, ये आपको चेक करना आना जरूरी है कि ये प्री लोडर, अब जो जितना फोन आ रहा है ना प्री लोडर ही बनाता है, ठीक है। MediaTek का मैंने बताया था, MediaTek पोर्ट कैसे दिखेगा, प्री लोडर कैसे दिखेगा, चलिए मैं एक बार फिर से कंफर्म करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फ़ोन को ऑफ कर लेना, आपको क्या करना है, फ़ोन को ऑफ कर लेंगे, ऑफ करने के लिए पावर बटन और अप वाला बटन दोनों प्रेस करेंगे तभी, अब जो अब के न्यू के फ़ोन में पावर बटन और अप बटन दोनों को प्रेस करेंगे तभी ऑफ वाला बटन साइन आएगा। ऑफ कर दिया हमने फ़ोन को, अब देखिए MediaTek का कनेक्टिंग मैंने बताया था कैसे करना है, वॉल्यूम अप और डाउन, MediaTek का होता है वॉल्यूम अप और डाउन। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ भी दिखाता है MT6768, यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप MT6768, ठीक है। चलिए अब इसको कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा प्रीलोडर पोर्ट बनाएगा, यहाँ पे प्रीलोडर पोर्ट, क्या पोर्ट बनाएगा, प्रीलोडर पोर्ट, मैं पोर्ट पहले चेक करना आपको बता दे रहा हूँ, अगर MTK बनाएगा डायरेक्ट MTK तो फिर MTK में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रीलोडर, यहाँ पे प्रीलोडर लिखा है ना, यहाँ पे देखिए प्रीलोडर USB VCOM, आप समझ गए, अब ये प्रीलोडर बना रहा है, तो हमको प्रीलोडर के लिए क्या करना होगा, प्रीलोडर पे टिक करना होगा, क्या करना होगा, प्रीलोडर पे टिक, ये ऑलरेडी टिक रहता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रीलोडर ओप्पो में version 1 version 2 दे रखा है, दो मॉडल दे रखा है, यहाँ पे समझ गए। अब आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट version 1 में चेक कर लेंगे, अगर version 1 में फॉर्मेट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता एरर देता है तो version 2 हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम version 1 में ट्राई करते हैं। चलिए हम फोन मेरा ऑफ ऑन हो गया है, आपको क्या करना है, ये फोन तब तक ऑन हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको MediaTek का अगर विदाउट CPU का करना है, विदाउट मॉडल का करना है, अगर मॉडल आपने समझ गया, आपको MediaTek अगर CPU वाइज करना है, CPU वाइज करने के लिए MediaTek में जाएंगे, वही प्रीलोडर जो यहाँ दिख रहा है ना, प्रीलोडर पोर्ट बना रहा है, तो प्रीलोडर पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा फोन वीवो नहीं है तो यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना, आपको नीचे ही दिख जाएगा आपको ये मेरा फोन क्या है, ओप्पो या तो रियलमी, यहाँ पे देखिए ओप्पो या रियलमी version 1 version 2, आपको यहाँ से version 1 पे क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपका पासवर्ड भी अनलॉक हो जाएगा और FRP भी अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे ना, आपको बाय फैक्ट्री मोड इरेज FRP या सिलेक्ट कीजिएगा, आपका यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए मैं बोला था आपको मॉडल वाइज दिखाऊंगा, तो सर मेरा version 1 में क्लिक है, V1 में आपको क्या करना है, इसमें क्या लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, या तो फैक्ट्री रिसेट प्लस FRP दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें दोनों कर लेते हैं एक साथ में, यहाँ से दोनों, यहाँ लिख ही रहा है प्रीलोडर, ठीक है। हमने क्लिक किया, अब मेरा फोन जो है ना यहाँ पे लिख दिया है कि वेटिंग फॉर डिवाइस, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फोन को ऑफ करना है, ठीक है, वॉल्यूम अप वाला बटन पावर बटन दोनों को प्रेस करेंगे, अप वाला साइन ही आ जाएगा, ऑफ हमने कर दिया इसको। अब क्या करना है, कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को प्रेस करना है। मैं बिल्कुल इजीली आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए कभी, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट आपको 100% नॉलेजबल वीडियो मिलेगा। वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को प्रेस करते हैं, फोन मेरा ऑफ हो गया, और कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमने जैसे कनेक्ट किया और यहाँ पे देखिए प्रीलोडर मोड यहाँ पे आया, हट भी गया और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट मेरा डन कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए एफआरपी इरेज एफआरपी ओके और इरेज यूजर डेटा दोनों मेरा रिमूव कर दिया यहाँ पे, देख लीजिए आप लोगों के सामने ही। और ये देखिए आराम से रिमूव कर रहा है यहाँ पे, देखिए ऑटोमेटिकली वाइपिंग प्लीज वेट। और ये देखिए फॉर्मेट भी हो जाएगा मेरा फोन बिल्कुल इजीली। अब मैं इसको साइड कर दूंगा है ना, ये तब तक फॉर्मेट होगा और एफआरपी जब तक ऑन होता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट लग सकता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या देखना है, यहाँ पे देखिए मैं रियलमी मॉडल लिख दिया और RMX 3710 लिख दिया और इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा वर्जन है ये भी लिख दिया है A43। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर इसमें नहीं होता एरर देता, कोई एरर देता तो हम वर्जन 1 या तो वर्जन 2 में ट्राई कर लेते, वर्जन 2 करके यहाँ से फैक्ट्री रिसेट कर लेते। अगर FRP निकालना है इरेज FRP पे क्लिक कर देंगे, अगर इस टाइप का रहेगा फोन में FRP तो FRP हम अनलॉक कर लेंगे। समझ गए आप? ठीक है, चलिए यहाँ से इसको हम साइड कर देते फोन को, हम तब तक ऑन होने देते हैं, साइड में ऑन हो जाएगा जल्दी, देखते हैं। अब देखिए इसमें पासवर्ड लॉक लगा, इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं पहले। इसको मैं दिखा देता हूँ CPU वाइज कैसे करना है, मॉडल वाइज आप समझ गए। मॉडल आपको यहीं पे दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए इन्फिनिक्स में जाना है, यहाँ तो मॉडल सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं मॉडल मिलता है, अगर मॉडल सपोर्टेड नहीं है, इसमें नहीं दिखता है, तो आपको क्या जाना है, डायरेक्ट मीडिया टेक में जाना है। ठीक है, मीडिया टेक में जाना है और आपको पता है ओब्वियसली जितना भी फोन आ रहा है ना आपको प्रीलोडर ही दिखेगा, तो आपको प्रीलोडर पे यहाँ पे टिक करना है। प्रीलोडर पे टिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे मॉडल आपको शो करेगा, तो आपको ये फोन कौन सा है मेरा, रियलमी का है, कौन सा है, रियलमी। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको इन्फिनिक्स, ये वाला फोन इन्फिनिक्स है मेरा। ठीक है, इन्फिनिक्स, तो हमें क्या करना होगा कि इन्फिनिक्स में बूट कराना होगा, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल एक ही में बूट करेगा, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल, या तो इसमें काम करता है तो ओके, नहीं तो इसमें कर लेंगे हम। सबसे पहले इन्फिनिक्स ऊपर वाले में करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, हमने प्रीलोडर ऑथ को सेलेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मेट करना होगा, हमें क्या करना है फॉर्मेट, इसमें क्योंकि पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। पासवर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट डाटा में जाना होगा और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लाइव प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है आप लोग देख लीजिए। मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा ना अनलॉक टूल का फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जब तक आपको मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा आप एक्सप्लेन में मास्टर हो जाएंगे अनलॉक टूल में। लास्ट में जब एक्सप्लेन करूंगा ना आपको बिल्कुल इजीली हो जाएगा अनलॉक टूल। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं और फॉर्मेट डेटा, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिलेगा, आप किसी से भी कर सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिएगा बाय रिकवरी हमेशा करने का। अगर इसमें नहीं होता है तो राइट फाइल कर सकते हैं, क्विक फॉर्मेट 2 दो रखा। अगर आपका फोन हैंग ऑन लोगो में है तो राइट फाइल पे क्लिक करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर ओनली फॉर पासवर्ड लॉक लगा हुआ जैसे मेरा, तो हमने क्या करना है बाय रिकवरी, ऊपर में जो बाय रिकवरी है और सेलेक्ट कर देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फोन को ऑफ कर देना, फोन को ऑफ कर देना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जल्दी हो जाएगा, ये वाला फोन थोड़ा टाइम लेगा फॉर्मेट होने के लिए। FRP मैं इसका दिखाऊंगा अभी बिल्कुल इजीली। यहाँ देखिए फोन मेरा ऑफ हो चुका है, क्या चुका है, फोन मेरा ऑफ हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट करना है, यहाँ से हमें ये क्या दे रहा है, M30 सिस्टम के नोटबुक, ये कुछ एरर दे रहा है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करते हैं फिर से और मेथड 1 में बाय रिकवरी करके सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ गया इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल ऑथ, ऑथ मेरा इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल होगा और वेटिंग फॉर डिवाइस लिख दिया। और इसको भी फोन को कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन को कनेक्ट कर बटन को प्रेस करना है। ठीक है, हमने प्रेस किया और डाटा केबल को हमने इजीली कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने कनेक्ट किया और यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजीली इन्फिनिक्स का ये मॉडल है, ये मॉडल इन्फिनिक्स का ये वाला मॉडल है X663C, क्या है X663C। अब यहाँ पे देखते हैं X663C है कि नहीं, X663 देखिए यहाँ है एक्चुअल में, बट थोड़ा सा सी जैसे देते हैं तो ये मॉडल अलग है, X663 ही है। अब सी पे काम करेगा कि नहीं करेगा क्या पता इसका, तो यहाँ CPU वाइज हम देख सकते हैं। CPU देखिए यहाँ पे MT 6768 है
68 67 68 और ये देखिए 67 61 है, तो ये इसमें काम कभी नहीं करता। तो हमने यूनिवर्सल ट्राई किया, इसमें मॉडल सपोर्टेड नहीं है, बट आपने इसको अनलॉकिंग कर लिया है। कैसे किया? तो मीडियाटेक में हमने गया, सपोर्टेड नहीं है फिर भी मीडियाटेक में हम गए, ऑथ को सिलेक्ट किया। तब तक देखिए ये मेरा फ़ोन ऑन हो गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप किया था कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तब तक ये भी मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए दोनों का दोनों। इसमें देखिए कि जो है मैंने इसका लॉक निकाला है, FRP अनलॉक किया है, और यहाँ पे देखिए सॉरी पासवर्ड अनलॉक किया इसका भी और इसका भी। यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल इजीली पासवर्ड अनलॉक कर, यहाँ से स्किप का ऑप्शन आ रहा है नीचे, स्किप स्किप नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लॉक। यहाँ पे देखिए मेरा इसका जो है पासवर्ड इसका डन हो चुका है, और FRP इसको भी हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट स्किप कर लेते हैं, इसको भी नेक्स्ट करते हैं। अब मैंने दिखाया था आपको मॉडल कैसे चेक करना है, FRP अगर लगा हुआ रहता है तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। यहाँ पे जाना है *H899H आपको डायल करना है, और यहाँ से आपको यू मोड आ जाएगा, और सॉफ्टवेयर वर्जन में जाना है, आपको मॉडल दिख जाएगा, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं दिखाता हूँ कि इसमें FRP लॉक मेरा डन हुआ या नहीं हुआ। दोनों का दोनों आप देख लीजिए, इसका भी साथ का साथ पासवर्ड के साथ साथ FRP भी निकाल दिया हमने, इसका भी देखिए हमने दोनों एक साथ मेरा निकल चुका। तो कई बार क्या होता है कि नहीं भी निकलता है, तो आपको फॉर्मेट करने के बाद FRP आप कर लीजिएगा, अगर FRP लॉक नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं होता है तो, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए मेरा यहाँ से डन ये भी हो चुका है, ये दोनों फ़ोन मेरा डन हो चुका है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये क्या है, इसमें इसमें लगा हुआ है FRP। यहाँ पे देखिए स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा, अब इसको कैसे करना है। और ये फ़ोन है वीवो का फ़ोन है, बिल्कुल इजीली आप अनलॉक कर पाइएगा, बिल्कुल इजी तरीका से। चलिए यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे FRP लगा हुआ है, अब आपको करना क्या है, मॉडल से भी आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, और आप मीडिया टेक टैब से भी कर सकते हैं। आपको हमने सारा प्रोसेस बता दिया कि आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, मॉडल, मॉडल आप पहचान लीजिएगा। उसके बाद मॉडल में आपको गूगल में सर्च करना है CPU टाइप, क्या सर्च करना है CPU टाइप, गूगल में जाइएगा, अगर आपको पता चलता है MTK है तो MTK टैब में आना है, ठीक है। मेरा मीडिया टेक का ही टैब अभी ये टॉपिक है, तो मैं मीडिया टेक का बता रहा हूँ। अगर आपको पता चल गया कि ये मीडिया टेक है, या तो आप पोर्ट भी बना के चेक कर सकते हैं मीडिया टेक है या क्वालकॉम है। यहाँ पे देखिए अब आपको चले जाना है मीडिया टेक में, मीडिया टेक में जैसे जाएंगे, या तो अगर वीवो से अनलॉक करना है तो वीवो में जाना होगा, ठीक है। हम मीडिया टेक में क्लिक करते हैं और प्री लोडर सेलेक्ट करना हो, अभी हमने रियलमी का सेलेक्ट किया हुआ था ना, इसको अनटिक करेंगे, फिर से टिक करेंगे और वीवो का सेलेक्ट करेंगे। अब वीवो में देखिए version 1 version 2 version 3 दिख रहा है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले version 1 में ट्राई करेंगे, अगर इसमें एरर देता है नहीं होता है तो हम version 2 ट्राई करेंगे, version 3 ट्राई करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले version 1 में चेक करते हैं और सेलेक्ट, हमने प्रीलोडर को टिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब आपको इसमें क्या करना है, ओनली फॉर FRP निकालना है, क्या निकालना है FRP। यहाँ पे देखिए FRP के लिए यहाँ पे देखिए इरेज FRP दिख रहा है। अगर आपको पासवर्ड भी अनलॉक करना है तो फॉर्मेट डाटा में क्लिक करना है, और ये जो सेम प्रोसेस हमने बताया उसी तरीका से करना। अब FRP निकालने के लिए ये जो मैं वीडियो इतना बता रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में जो है ना दिक्कत ना आए, आपको कन्फ्यूजन जो अगर लग रहा है तो वो दूर हो जाएगा आपका, क्या समझे बात, कन्फ्यूजन जो होगा आपका दूर हो जाएगा। हमें क्या करना है, इरेज FRP पे क्लिक, FRP हमें सिर्फ निकालना है, तो FRP पे क्लिक कर लेंगे। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दिया है वेटिंग फॉर डिवाइस, है ना, वेटिंग फॉर डिवाइस यहाँ पे आपको लिख दिया है, और आपको कनेक्ट करने का वही प्रोसेस है सेम, आपको फोन को ऑफ करना है। आपको ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को, आवाज बढ़ाने वाला और कम करने वाला दोनों को प्रेस करना है, और डाटा केबल आपको कनेक्ट कर देना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया आपका इसमें मॉडल B 2254
और ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देते हुए, ये देखिए सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद लिख दिया इरेज FRP, ओके। कितना सेकेंड लगा यार, आप बताइए कितना सेकेंड लगा आप बिल्कुल इजीली आप अनलॉकिंग इसका कर पाए हैं। ये देखिए फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है, तब तक मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूँ आपको। पूरा इजीली हमें लगता है सारा कुछ डन हो चुका है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा फ्लैशिंग, फ्लैशिंग आप कैसे कीजिएगा, बूट लोडर अनलॉक बताऊंगा, रीलॉक बताऊंगा, पैच DM वेरीफाई के बारे में हमने बता दिया है, परमानेंट बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं, मैंने सारा कुछ बताया है आपको, ठीक है। हेल्थ चेक आपको यहाँ से करना है, IMEI रिपेयर के लिए यहाँ पे जाना है। अब देखिए फ़ोन मेरा ऑन हो गया है और मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि इसमें FRP लॉक डन हुआ या नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट हम कर लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट किया हमने, ये वाईफाई लगा हुआ है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, हमारे पास टाइम नहीं, तो हम यहाँ से बैक करते हैं और वाईफाई यहाँ पे देखिए सेटअप ऑफलाइन आ गया ना, यहाँ से हम नेट को फॉरगेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं फॉरगेट करके भी दिखा सकता था, बट यहाँ पे देखिए सेटअप ऑफलाइन आ गया जो कि पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। अब आप जैसे नेक्स्ट करेंगे वहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल ईजिली, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, जो कि पहले यहाँ नहीं आ रहा था फिर, ठीक है। आप समझ गए कैसे आपको FRPIN वगैरह निकालना है, पासवर्ड कैसे अनलॉक करना है, क्या होता है, मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है बिल्कुल लाइव। अब मैं लाइव एक वीडियो में बता दूंगा आपको कैसे बूट लोडर अनलॉक होता है एक फ़ोन पे, सारा कुछ बिल्कुल इजीली। यहाँ पे देखिए मेरा सारा अनलॉक फ़ोन हो चुका है, तीनों का तीनों हमने देखा है कि इसमें दोनों में पासवर्ड लॉक लगा हुआ था, पासवर्ड लॉक को हमने दोनों को अनलॉक किया, इसमें FRP था, हमने इसका FRP भी अनलॉक कर लिया है बिल्कुल इजीली। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिलेगा फ्रेंड लाइव, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको आगे मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे देखते हैं आपको टॉपिक जो मिलेगा, नेक्स्ट वाला टॉपिक आप देखिए आराम से, ठीक है।